बहुत पुरानी बात है, चाइना के किसी गांव में तीन भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी का बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, एक गाँव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते, या अपने पूरे अस्तव के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाती। वह इतनी एकरता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुन्द्र में डूब जाता तो वह दूसरे गांव में चले जाते। वह ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वह जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस हो गए। थ्री लाफिंग मोंग के नाम से चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक ही हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वह विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वह बस हंसते थे जैसे कि उन्हें ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वह बस हंसते। इस तरह से उनका नाम बन गया थ्री लाफिंग मोंग, यानी तीन हंसते हुए भिक्खू। पूरे चीन में घूम घुमाकर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्खू की मौत हो गई। पूरा गांव स्तंभ रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी दो भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार इनकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का सबसे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है, हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षु के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष वह भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृतक था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, कई गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षुओं ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चलाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी।
दोस्तों आपको ये तीन हंसते भिक्षुओं की कहानी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इसी तरह से और भी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल बुद्धा लाइट ऑफ एशिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें।